इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। देवलोक में गए तो भी साथ, फिर मनुष्य जीवन में आए तब भी साथ। रिश्ते हो तो ऐसे हो जो मौत को ठेंगा बता करके जिंदा रह सके। उन रिश्तों को क्या जीना जिसको मौत मार दे, और उन रिश्तों को भी क्या जीना जो जिंदे ही मर जाते हैं। डिवोर्स और कुछ नहीं, जिंदे होते हुए रिश्तों का मर जाना है। अपने माँ बाप से, अपने भाई से जुदा हो और कुछ नहीं, जिंदा होते हुए रिश्ते को मार देना है। एक रिश्ता ऐसा जिया दोनों ने जिसको मौत भी नहीं मार सकी। जिस जन्म में अरिष्टनेमी परमात्मा ने तीर्थंकर नाम कर्म का बंध किया, उस जन्म में भी वो साथ है। क्या मजा है। 8 जन्मों की ये यात्रा बड़ी प्यारी सी लगती है सुनने को। रिश्ते जब गहरे हो जाते हैं, रिश्ते जब गहरे हो जाते हैं तो तीसरा आकर के टकरा सकता है, लेकिन रिश्ते में कभी खलल नहीं डाल सकता है। तुम्हारी कोई भी पिक्चर ट्रायंगल के बिना पूरी नहीं होती है। लेकिन एक ऐसा भी ट्रायंगल हो सकता है रिश्तों का जो तीनों ही कोनों को मोक्ष में ले जाए। तुम्हारी मूवी के ट्रायंगल तीनों ही कोनों को बर्बाद करते हैं, लेकिन रिश्तों का एक ऐसा भी ट्रायंगल हो सकता है कि हर एंगल मोक्ष में पहुंच जाए। और तीर्थंकर बनने की तैयारी ही द्वारिका नगरी है। अरिष्ट नेमी है, राजुल है, बरात लेकर के पहुंचे हैं शादी करने के लिए। दिन रात राजुल के अंतर में सपनों का जलसा चला हुआ है। रिश्ते खींचते हैं, रिश्ते बुलाते हैं। जो रिश्ते बुलाते हैं वही भगवान बनाते हैं, जो रिश्ते भुला देते हैं वे शैतान बनाते हैं। रिश्ते बुलाते हैं। अरिष्ट नेमी चले हैं अपने जन्म जन्म की साथी को वरण करने के लिए। राजुल का रोम रोम झूम रहा है। आएंगे मेरे जन्म जन्म के नाथ, फिर इस जन्म में मुझे नाथ बनाने के लिए। मेरा सौभाग्य आ रहा है। झूमो गाओ फूल बरसाओ, मेरा सौभाग्य आ रहा है। हर सांस में तेरी आस है, हर सांस में तेरी आस है, तेरे बिना मेरी कोई सांस नहीं है। चले हैं अरिष्ट नेमी। कौन जाने किस पल क्या हो जाता है, लेकिन रिश्ते उन्हीं को कहते हैं कुछ भी हो जाए जो बरकरार रहते हैं। वे कंडीशनल रिश्ते होते हैं जो कुछ होते ही बिखर जाते हैं।
छोटा सा कुछ हो गया, तू कौन मेरा, मैं कौन तेरा। एक रिश्ता वो भी होता है, तुम कुछ भी कर लो मैं तुम्हारा ही हूं। कौन जानता है किस पल क्या होगा है? इंतजार है स्वामी के आने का है। उल्लास से उमंग है, कानों पर क्रंदन अरिष्ट नियमित की पहुंचता है। जो किसी का क्रंदन अनसुना करते हुए कभी भगवान नहीं हो सकते। भगवान होने की पहली शर्त है किसी का क्रंदन सुन सको और उसके क्रंदन के कारण को दूर कर सको। बाड़े में बंद पंछी और पशु चीख रहे थे, रो रहे थे, सवाल पूछा क्यों रो रहे, इनका आसमान छीन लिया गया, इनसे इनका जंगल इनसे छीन लिया है। और ये और किसी के पेट में जाने के लिए तुम्हारी शादी के निमित्त से इनकी मौत होने वाली है। मेरे शादी के निमित्त से मौत, मैं इतनों की मृत्यु का कारण नहीं, नहीं, नहीं। खोल दो इनको, इनका आसमान इनको दे दो, इनकी जिंदगी इनको बरकरार कर दो। किसी की जिंदगी छीनने का मुझे कोई अधिकार नहीं, और मेरे निमित्त से कोई जिंदगी की छीनेगा तो मुझे कबूल नहीं। एक पल में नजर बदल गई, नजारे बदल गए। कौन जाने किस पल क्या हो जाएगा। खुशियों के गीत गाए जा रहे थे, अरिष्ट नेमी ने रास्ता छोड़ा है, मंजिल बदली, योगी बन गए। कौन क्या कह सकता है कि किस पल क्या हो जाएगा। राजुल के पास खबर पहुंची, होश गायब हो गए, बेहोश हो गई। कहते हैं अपने नाथ से राजुल, क्रंदन तुम्हें सुनाई दिया पंछियों का, क्रंदन तुम्हें सुनाई दिया पशुओं का, मेरी संवेदना तुमको सुनाई न दी। उनके सपने सच करने के लिए मेरे सपने, संभलते राजुल केती अपने नाद से, संभलते राजुल केती अपने नाद से, तुम आओ न आओ मैं तुम्हारे द्वार पर हूं। तुम मुझे ठुकरा ही नहीं सकते हो, तुम मुझे ठुकरा ही नहीं सकते हो, तुम तो मुझे बुलाने के लिए आए थे, तुम तो मुझे बुलाने के लिए आए थे। नाथ 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 मैंने सुन ली है तुम्हारी पुकार, नाथ नाथ मैंने सुन ली है तुम्हारी पुकार, तुमने पुकारा है मैं चली आऊंगी तुम्हारी राह पर, मेरी राह तुम्हें लाने के काबिल नहीं रही, मेरी राह तुम्हें लाने के काबिल नहीं रही,
लेकिन तुमने ऐसी राह बना ली कि मैं तुम्हारे काबिल हो जाऊं। राजिल तय कर चुकी है, चाह तुम्हारी राह तुम्हारी, मंजिल भी तुम ही हो, राह भी तुम ही हो, न दूसरी मंजिल है न दूसरी राह है, बस इंतजार है जिस पल तुम पुकारोगे मैं चली आऊंगी। तुम खोज लो जितना खोजना है किसी को, तुम खोज लो जितना खोजना है किसी को, जब तुम्हारी खोज पूरी हो जाएगी सबसे पहले मैं ही तुम्हारे चरणों में रहूंगी। चल रही है अरिष्ट नेमी की साधना, रथ नेमी अरिष्ट नेमी का भाई पहुंचता है राजुल के पास प्यार का पैगाम लेकर के। तू ठुकराने लायक नहीं है, तू तो मेरे सर माथे पर है, मैं हूं तेरे लिए, तू बन जा मेरे लिए, मैं हूं तेरे लिए, तू हो जा मेरे लिए, तू नहीं अरिष्ट नेमी के लिए, तू तो है केवल मेरे लिए और मैं हूं केवल तेरे लिए, मेरा जैसा प्यार तुझे कोई नहीं करेगा। मैं बहुत गहराई से तुझसे मोहब्बत करता हूं, मेरा प्यार तू स्वीकार कर ले, मैं धन्य हो जाऊंगा, तेरे बिना मेरी जिंदगी सुनी है, बस तू एक बार मुझे स्वीकार कर ले। राजुल ने कहा केवल बात करता है, कुछ गिफ्ट दे दे, कुछ उपहार दे दे, ये द्वारिका है जहां उपहार में प्रसाद दिया जाता था, बढ़िया से दूध की खीर बासुंदी बना करके लेकर गया राजिल को देने के लिए। मन में अरमान थे, उपहार मांगा है, इसका मतलब है मेरी मनुहार अब स्वीकार हो गई है। राजिल को दिया स्वर्ण के पात्र में पीने के लिए, राजुल ने पी लिया और राजुल ने पीते ही रथनेमी को लगा कि अब मेरा प्यार मंजूर हो गया है, जो दूध तूने मुझे दिया वही मैंने पिया है, वही तुझे वापस रिटर्न गिफ्ट कर रही हूं, इसको पी ले, तूने जो दिया मैंने पिया है, मैंने जो दिया तू पी ले, ये पीने की चीज है, ये मेरे प्यार की इज्जत है। और कहते हैं राजुल, जब तू इसको नहीं पी सकता है तो मुझे कैसे पी सकता है। जय जिनेन्द्र, मैं खुशबू कर्णावट जयपुर राजस्थान से। मैंने 2020 में अरहम गर्भ संस्कार का कोर्स किया था। मैं अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहती हूँ। आई एम एन इमेज कंसल्टेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर एंड पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर। पर्सनालिटी की जब बात करते हैं तो एवरीडे यंगस्टर्स और वुमेन से मेरा पर्सनालिटी एनहांसमेंट को लेकर काम चलता है, मैं मिलती हूँ। और पर्सनालिटी में आपको बताऊं, इट्स नॉट जस्ट व्हाट यू सी आउटसाइड। इतने सालों में जो मैंने समझा है, पर्सनालिटी कम्स फ्रॉम इनसाइड, और हमारा इनसाइड बनाता है हमारे संस्कार,
और बच्चे को संस्कार देने का बेस्ट तरीका है गर्भ संस्कार, क्योंकि जो बच्चे को हम गर्भ में सिखा सकते हैं वो बड़े होके शायद सिखाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो अरहम गर्भ संस्कार के थ्रू मुझे इतना स्ट्रक्चर्ड तरीका मिला कि जब मैं प्लान कर रही थी बेबी, तो आई हैड एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जिसमें आई लॉस्ट अ चाइल्ड प्रेगनेंसी में, एंड उसके बाद मुझे किसी ने अरहम गर्भ संस्कार के बारे में बताया और उसके बाद मैंने किया और फिर मैंने सेकेंड बेबी मेरे हुआ जो मतलब अभी जो बेबी है वो हुआ, एंड आई कांट टेल यू हाउ इफेक्टिव एंड मैजिकल दिस इज। इट्स लाइक क्रिएटिंग योर ओन चाइल्ड, इट्स लाइक कस्टमाइजिंग योर ओन चाइल्ड। हम अपने बच्चे को जैसा बनाना चाहते हैं वो हमारे हाथों में है, वो हमारे पास है, और वो है ये अरहम गर्भ संस्कार। यू कैन कस्टमाइज योर चाइल्ड एंड मेक इट एज यू वॉन्ट। और आजकल के टाइम में जो इतना ज्यादा सख्त क्वेश्चन यानी गलत चीजें चल रही हैं, पूरी जनरेशन बिगड़ रही हैं, हमें बहुत जरूरी है हम अपने बच्चों के संस्कारों पर ध्यान दें ताकि वो आज की भाग दौड़ से, आजकल की नेगेटिविटी से बड़े होकर बच सके। तो मैं रेकमेंड करूंगी, बिकॉज मैं तो देख रही हूं मेरे बच्चे को, 2 साल का मेरा बेटा है, एंड आई सी मैजिक, आई सी हाउ ही हैज कम अप, एंड गुरु कृपा से, आई मीन बाय टच वुड, ही इज सच अ इंटेलिजेंट चाइल्ड। इतना सा बच्चा है, सब कुछ समझता है, हर बात। छोटा सा था तब से उसको जो समझाती हूँ वो सब समझ जाता है, जबकि लोग मुझे बोलते हैं तुम पागल हो के इतना सा बच्चा क्या समझेगा, तुम उससे ऐसे बात करती हो। मुझे पूरा विश्वास है मेरा बच्चा हर चीज समझता है, उसको जो मैं बोलती हूँ वो वैसा के वैसा, जब वो 6 महीने का था तब से लेकर अभी तक वो सारी बातें एक बड़े जैसे मतलब समझता है, और बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है, गुरु कृपा से आगे रहेगा भी। तो इतनी सारी बातें शेयर करने के लिए, विच ऑल्सो इंस्पायर्ड मी। 18 नवंबर से नया कोर्स शुरू हो रहा है ट्रेनिंग का, जिसमें यू कैन बी अ ट्रेनर फॉर गर्भ संस्कार। उसके लिए मैंने तो रजिस्टर कर दिया है, एंड आई एम सो इंस्पायर्ड बाय इट, बिकॉज इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स यू कैन डू टू योरसेल्फ एंड टू अदर्स। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, गो रजिस्टर फॉर योरसेल्फ, सी दिस मैजिक, लर्न दिस मैजिक, एंड टीच दिस मैजिक टू पीपल। यू कैन सेव जनरेशंस। जय जुनेन्द्र, थैंक यू वेरी मच। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।